अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब हैरी से होंगे। सो अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी में एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने भी सुजुकी ऑल्टो VXR में 19 इंच का एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल कराया है। कहाँ से इंस्टॉल कराया है, कितना खर्चा आया है, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान आते हैं और इसको लेकर मार्केट में क्या क्या फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले आप इसकी इंस्टॉलेशन देख लें। सो ऑल्टो VXR में भी हम लोग एंड्रॉइड पैनल फिक्स करने लगे हैं। ये दो पैनल हमने फाइनल किए थे। ये भाई इसका कौन सा मॉडल था? TS7। ये TS7 है, सबसे बेसिक है। इसका 12,000-12,500 इसकी प्राइस है। एक दूसरा कौन सा आता है? 92-12 आता है एक, वो इससे 1,000 रुपये महंगा है। और उसके बाद उससे ऊपर वाली ये जो चीज़ इन्होंने बताई, इसमें आप देखें फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं और ये होता है सिंपल सा बिल्कुल। तो अभी इसमें इंस्टॉल करेंगे। बैक कैम अभी हम लोग नहीं लगा रहे, सिर्फ पैनल लगाना है, क्योंकि छोटी गाड़ी में मेरा नहीं ख्याल कि बैक कैम की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा भाई, GPS है ना इसके साथ? GPS वो उधर बाहर निकाल के लगाना है, ठीक है, उधर शो अच्छी हो जाती है। सो इंस्टॉलेशन के बाद ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पूरा AC वेंट्स वाला जो एरिया, ये पूरा उतार के अच्छी जगह एज़ इट इज़ नया लगा देते हैं। ग्रिप टू ग्रिप लगता है, कोई भी इसमें किसी भी किस्म की अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इसमें अगर थोड़ी बहुत आपको इसके मॉडल की बता दूँ, तो बेसिकली इसमें दो मॉडल आते हैं, TS7 और 9230। तो ये दो बेसिक मॉडल्स हैं। जो TS7 1,000 सस्ता है, क्योंकि TS7 में आपको जो चीज़ नहीं देखने को नहीं मिलती, वो सबसे पहले थीम है जो कि इसमें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्ट इन थीम्स आपको इस पैनल में देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आप कोई भी थीम आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा ये वाला जो वेरिएंट है 9230, ये थोड़ा सा फास्ट है। मुझे 9230 से ऊपर का एक मॉडल उन्होंने दिया है, जो जिनको उनका ये कहना था कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इसका अपडेटेड है और ये फास्ट है, बट मुझे ये 9230 जैसा ही लगा है। अब उसके अलावा इवन सिर्फ सुजुकी ऑल्टो के लिए ये दो मॉडल नहीं, हर एक इवन गाड़ी के लिए आपको यही मॉडल मार्केट में देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह कि वो पहले वाले जमाने नहीं रहे कि हर गाड़ी के लिए अलग LCD डिजाइन की जाती थी। अब सिंपल क्या करते हैं कि मेन पैनल यही लगता है और पीछे जो पूरा जो ग्रिप है वो चेंज कर दी जाती है। जिस तरह से आप होंडा सिटी देख लें, उसमें यही पैनल लगा होगा या 10 इंच वाला पैनल होगा, बट सिर्फ बैक से आपको जो उसकी फिटिंग है वो प्रॉपर चेंज कर दी जाती है। लेट्स सपोज अगर आप कोई महंगी गाड़ी या सिविक है या सिटी है, कोई अच्छी गाड़ी में अगर आप लगवाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे भी इसका 20,000 का पैनल है, 25,000 का पैनल है, जो कि आपको एक तरह से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में पैनल यही होता है, सेम प्राइस होती है, 13,000 से 15,000 प्राइस होती है, बट सिर्फ ये उसकी फिटिंग में फ़र्क होता है। सो इस धोखे से आपने बचना है। उसके बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इसका, काफ़ी रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप तमाम जो है एप्लीकेशंस, पूरा एंड्रॉयड पैनल, एक तरह से आप एंड्रॉयड टैबलेट समझ लें, वो वाला लगा हुआ है इसमें। साइज जी का आप मैंने इंस्टॉल कराया हुआ है इसमें। आप मैप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, साउंड क्लाउड में इसमें सुनता हूँ। IPS डिस्प्ले है, जो कि बहुत जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। लैग वगैरह वाला सीन इससे मुझे बहुत कम लगे, अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर लोड डाल रहे हो तब थोड़ा सा लैग करता है, ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर चलता है। उसके अलावा GPS भी आप देख सकते हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। तो GPS आपने कोशिश करनी है वहाँ पे लगवाना है। ये लोग अपना टाइम बचाने के लिए GPS यहीं पे ऊपर चिपका देते हैं, जिसकी वजह से एक तो लोकेशन एक्यूरेट नहीं आती है, दूसरा ये है कि थोड़ा सा एक तो वहाँ पे अगर लगेगा तो थोड़ी सी लुक भी गाड़ी की इन्हेंस करता है। उसके बाद इसकी अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात कर लें, तो ऑनेस्टली इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। जो ओरिजिनल ऑडियो यूनिट था उसकी निस्बत इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी है इसकी। और अब वीडियो की अगर बात कर लें, तो वीडियोज़ ये आपको सपोर्ट करेगा 1080p तक। 1080p से ऊपर की वीडियो भी नहीं चलाता। गोरिल्ला ग्लास आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो आपके स्क्रैचेस इसकी स्क्रीन को महफूज रखता है। और अब अगर बात कर लें इसको मार्केट में इसको लेके क्या क्या फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो ये है कि आपको बताया जाता है कि जो पैनल्स हैं इनकी जो मेमोरी है वो 64GB है या 32GB है, और इसकी जो रैम आपको बताई जाती है वो 4GB या 6GB बताई जाती है, जो कि हकीकत में बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, अब इसकी जो मेमोरी है ओरिजिनल मेमोरी वो है सिर्फ और सिर्फ 1GB, और जो इसकी स्टोरेज है वो है 16GB। यहाँ पर अगर आप गौर करें, आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 4GB की आपको यहाँ पे रैम शो कर रहा है और 34GB की आपको यहाँ पे मेमोरी शो कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रॉड है। जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये बता के कि भाई इसकी इतनी मेमोरी है, इतनी रैम है और ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, तो ये आपको फ्रॉड किया जा सकता है। 1GB मेमोरी होती है और 16GB की इसमें स्टोरेज होती है। इस धोखे से आपने बचना है। ये सारा सिनेरियो, बाकी आप जो है इंशाल्लाह गाड़ी की और भी काफ़ी चीज़ें जो कवर करनी है आगे जाके, जैसे कि थोड़ा सा इसमें मैंने ये सीट कवर्स वगैरह लगाए हैं, पीछे स्पीकर्स इंस्टॉल कराए,
आए हैं और थोड़ा बहुत इसमें काम कराए वो भी इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।